उसके बाद उसका इलाज चल रहा था जहां मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया। शाहपुरा का ये पहला जो केस है ये सामने आया है, नया वायरस आया चांदीपुरा वायरस। सीएमएचओ वीडी मीणा इटाड़िया जो है रवाना हुए हैं इटनिया। फुलिया कला एसडीएम मीणा भी रवाना हो चुके हैं इस पूरे मामले को लेकर, और इस पूरे मामले में जानकारी लेंगे। इससे पहले बता दें बच्ची के शव को इटड़िया गांव को लेकर पहुंचेंगे परिजन, जहां पर शाहपुरा जिले से इस वक्त की बड़ी खबर देख रहा है। इस पूरे मामले में अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शाहपुरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे संवाददाता जुड़ गए आजाद नेब हमारे साथ। आजाद, हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि ये कौन सा नया वायरस है, क्योंकि कोरोना ने सबकी जिंदगी हिलाकर रख दी थी, उसका जो असर है अभी तक लोगों की जिंदगी से गया नहीं है। जानना चाहेंगे सबसे पहले कि ये चांदीपुरा वायरस है क्या, और ये पूरा मामला कैसे हुआ जहां एक मासूम बच्ची को अपनी जान गंवानी पड़ती है। ये मैम रेत मक्खियों और टिक्स के वैक्स द्वारा फैलता है, और इसके लक्षण सिर दर्द, बुखार, शरीर में दर्द, थकान, और जैसे गले में खराश होना, खांसी, छींकना और पतली उल्टी आना, दस्त, त्वचा, टकोए जमना, घाव लगने, मस्ते जैसी बीमारी, जैसे इसके लक्षण होते हैं। ये मक्खियों और टिक्स के द्वारा फैलती है। मक्खी और टिक्स काटते हैं तो छोटे बच्चों में ज्यादा ये वायरस फैल रहा है। कहने का मतलब है जी जारी रखिए। मासूम बच्चे होते हैं, छोटे जो बच्चे होते हैं उसमें ये लक्षण ज्यादा दिखाई देता है, और ये अब ये बीमारी अक्सर कर बरसात के मौसम में ज्यादा होती है। बरसात के मौसम में कीड़े मकौड़े, क्योंकि गंदगी ज्यादा पनपती है, साफ सफाई रखना इसलिए कहा जाता है बहुत बेहद जरूरी है। आजाद जी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि ये चांदीपुरा जो वायरस नाम है, ये मैं जानना इसकी शुरुआत थी क्या, कुछ आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, इसके पहले ये किसी देश में किसी जगह पर पाया गया था, ये सबसे पहला केस है यहाँ का अगर हम शाहपुरा की बात करें तो? हाँ, अपने राजस्थान में तो शाहपुरा में पहला केस है, बाकी अहमदाबाद में बहुत सारे केस आए हुए हैं, और ये विशेषकर दक्षिण अफ्रीका और भारत में जो इसके लक्षण है वो दोनों अलग अलग तरीके के हैं। अपने यहाँ ज्यादा, सबसे ज्यादा अहमदाबाद में, ये गुजरात में इसके मरीज पाए जा रहे हैं। अपने यहाँ बहुत कम है, और राजस्थान में पहला केस हुआ है शाहपुरा में। जी आजाद, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस वायरस का कोई इलाज है, मैं ये सबसे पहला सवाल अहम सवाल करना चाहूंगी आपसे। भीलवाड़ा सीएमएचओ गोस्वामी जी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा बचावी उपचार है, इसके लिए उन्होंने गांव में स्प्रे करवाने के लिए चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सबसे पहले तो भाई जितने भी पानी भरा हुआ हो, गंदगी हो, वहाँ कीट मक्खी न पनपे, इसके लिए चिकित्सा विभाग सतर्क होते हुए उन्होंने स्प्रे कराने के लिए आदेश दे दिए हैं, और इस पर स्वास्थ्य विभाग भी मुस्तैद हो गया है। ठीक है आजाद, मैं जानना चाहूंगी जैसे कोरोना के टाइम पे काफी समय बाद इंजेक्शन बना, उसे टीकाकरण हुआ, क्या चांदीपुरा वायरस का भी कोई ऐसा इंजेक्शन या कोई दवाई आई है? क्योंकि चलिए जो हमारे दर्शक देख रहे हैं एक नया तरह का वायरस है तो वो पहले से अलर्ट हो जाए, उसके लिए कोई जानकारी है अब तक? अभी फिलहाल सीएमएचओ साहब से बातचीत हुई तो क्या कुछ जानकारी मिली कि कोई इसकी दवाई इलाज कुछ है उपलब्ध? ये नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, लक्षण फैलने वाला नहीं है। कोरोना वायरस अलग चीज थी, वो माउथ और हाथों से फैलती थी, लेकिन ये संक्रामक बीमारी नहीं होकर ये एक तरह का फ्लू है। ये फ्लू है केवल, और ये मक्खी और टिक्स के द्वारा फैलता है। इसमें संक्रमण घर के अंदर कहीं भी पानी भरा हो उसको हटा दें, मक्खी मच्छर नहीं पनपने दें, और वहाँ पर अपने पानी की टंकी है वगैरह, इस पे स्प्रे करने के गाइडेंस जारी कर दिया है स्वास्थ्य विभाग ने।
जी इस मामले को लेकर। एक आखिरी सवाल आपसे आजाद में करना चाहूंगी कि घर वालों से एक बातचीत कुछ हुई तो सामने आया कि बच्ची कितने समय से बीमार थी, क्या क्या कुछ सामने आया है घर वालों से बातचीत करके? और सबसे बड़ा सवाल एक साथ में मैं और ऐड करना चाहूंगी कि क्या गांव वालों से बातचीत हुई तो किसी ने इसी तरीके का और लक्षण बताया कि कोई और व्यक्ति तो संक्रमण में नहीं ग्रसित हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिखा, केवल इनके रिश्तेदारों से जो बात हुई है उसमें बच्ची को बुखार आया था। जी जी, बुखार फ्लू के जो लक्षण थे उसमें बुखार आना ये नॉर्मल था। उन्होंने शुरुआत चेकअप करवाया यहाँ पर शाहपुरा में, तो शाहपुरा वालों ने इसको भिलवाड़ा रेफर किया। रेफर करने बाद भिलवाड़ा जो जांच हुई उसमें वहाँ पता चला कि भाई ये आपने वायरस आया हुआ है, वायरस चांदीपुरा, चांदीपुरा जो वायरस है इस बच्ची के अंदर है, तो उसको तुरंत एहतियातन तौर पर गुजरात अहमदाबाद रेफर कर दिया उसको। ठीक है ठीक है, वहाँ पर इसका इलाज चला और आपको सबको जानकारी है इसकी डेथ होगी बच्ची की, उसको उसको यहाँ शाहपुरा में लाया जा रहा है इटामेड़ा गांव में। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आजाद इस तमाम जानकारी के लिए। और हम चाहेंगे कि आप मीडिया कर्मी है, संवाददाता है, वरिष्ठ संवाददाता है शाहपुरा में, हम चाहेंगे कि मीडिया के द्वारा, अपने चैनल के द्वारा, न्यूज 21 के द्वारा जितनी भी जागरूकता फैल सके आम जनों के बीच में, जिससे इस चपेट में कोई और लोग ना आए, आप अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे और इसी तरीके से करते रहे। फिलहाल के लिए इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए आजाद हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। खबर थी शाहपुरा से, आप देख रहे थे जहां इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे थे, जहां चांदीपुरा वायरस से 2 साल की मासूम बच्ची की जिंदगी चली जाती है। उसे गुजरात के एक निजी अस्पताल में बच्ची का इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान जो बच्ची ने दम तोड़ दिया है। देखिए, साफ सफाई बेहद जरूरी है हमेशा, हर मीडिया चैनल्स हो गए या आम लोग हो गए, सरकार की भी यही कोशिश रहती है कि स्पेशली अगर हम बात करें मानसून के टाइम पर मच्छर मक्खी पनपते हैं, कीड़े मकोड़े पनपते हैं और उसी का असर, उसी की वजह से चांदीपुरा वायरस जो है ये टिकल्स हो गए या मच्छर वगैरह हो गए, उनके होने की वजह से ये वायरस फैलता है, गंदगी के कारण वायरस फैलता है। तो कृपया करके अपने आसपास सफाई जितनी हो सके बरकरार रखें। बच्ची की जो खबर आई है काफी दुखद है, पर इससे हम चाहेंगे कि आप लोग अपने आसपास सफाई जागरूकता फैलाएं, खुद भी साफ रखें और आसपास जागरूकता फैलाने की भी पूरी कोशिश करें। फिलहाल की खबर में इतना ही, बने रहे न्यूज 21 के साथ।